जरा हमें बता दो तो हम भी लड़की देखना शुरू कर दें। पीजी वो तो मुझे दिख चुकी है, हमेशा मेरी नजरों के सामने रहती है। मानवी पास कर जो सब कुछ दिल खोल के बोले। फॉर एग्जाम्पल अगर उससे मुझसे प्यार हो तो वो खोल के बोले सबके सामने, बिना किसी से डरे, अपनी बातों को अंदर न दबाए। क्यों चाचू? बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे अगर दिल में प्यार हो ना तो उसे बता देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। विराट बेटा, तुझे जैसी लड़की चाहिए ना, ऐसी यहाँ ही मिलेगी। सही जगह पे आए हो, एकदम गलत जगह पे आए हो तुम। ऋषिकेश में तो तुम्हें ऐसी लड़की मिलने से रही, बेटर होगा वापस चले जाओ। अच्छा, 100% मिलेगी लगी शर्त लगा ले पंडित बेटा, अगर हार भी है कि तो तेरा क्या जाएगा। ये शर्त तो मैं जीत के रहूंगी चाचू, देख ले। ये शर्त मैं जीतूंगा। You know why? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आशीर्वाद हैं। मेरे पास माँ है और मेरे पास भाभी माँ है। क्यों भाभी? 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे अपनी पसंद की लड़की चाहिए और आप मैं हेल्प करूंगी, राइट? अगले 7 दिनों में तो क्या, 7 जन्मों में भी तुम्हें लड़की नहीं मिलने वाली। वो मेरी बहन है, तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी। तुम्हारा रिश्ता पासी हो चुका है, मेरा फ्रेश फ्रेश है। भाभी आप मेरे साथ होगे? हां, तो मेरी क्या सौतेली बहन है, तुम जैसे सरफिरे का साथ कभी नहीं देगी। मेरी सगी भाभी है, लेटेस्ट। मानवी जो अरे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, विराट बेटा मैं तेरे साथ हूं। ए जीविका, तू तेरे देवर को खुश देखना नहीं चाहती? देखा विराट बेटा, वो अकेला नहीं है, हम दोनों तेरे साथ हैं। विराट के यहाँ आने के पीछे जरूर कोई राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राज जीविका को भी पता है और वो मुझसे अनजान बनने की कोशिश कर रही है। जी, हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं। ये डॉक्टर सुधाकर है, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट? जी भाऊजी, वो मानवी की हेल्थ रिपोर्ट्स हमने दी थी इन्हें चेक करने के लिए, ताकि हमें सेकंड ओपिनियन मिल सके। ओ, आइए डॉक्टर। आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, मानवी की रिपोर्ट देखने के बाद आपने क्या अंदाजा लगाया है, वो कब तक ठीक हो जाएगी? वडेरा साहब, मैंने मानवी की रिपोर्ट को थॉरली स्टडी किया। मानवी का कैंसर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसका पूरी तरह से ठीक होना एक तरह से जो भी कहना साफ साफ कहिए। आई मीन मानवी को पूरी तरह ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। ओह गॉड, बेचारी मानवी। बाबूजी, इसीलिए
इसीलिए हम विराट को रोक रहे थे बाबू जी। क्या होगा, कैसे जी पाएगा वो? लेकिन मानवी का जो इलाज चल रहा है उसका कोई असर डॉक्टर साहब? असर होता तो दिखाई जरूर देता वडेरा साहब। आई एम सॉरी टू से दिस, अब तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही उसको इस बीमारी से बचा सकता है। वेल, होप फॉर द बेस्ट। तो मैं चलूं स्वामिनी जी? जी डॉक्टर। नमस्ते। क्या अब भी आप लोगों को लगता है कि हमें चुपचाप विराट की नादानियों को सहते रहना चाहिए? उसे एक डूबते हुए जहाज पर सवार होने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए? बाबूजी, हम भी विराट के कोई दुश्मन नहीं, और ना ही हमें विराट और मानवी के प्यार से कोई एतराज है। हम सिर्फ विराट को जिंदगी भर के दर्द से बचाना चाहते हैं बाबूजी। और जिस तेजी से उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, अगर वो ठोकर खाकर गिर गया तो हम नहीं देख पाएंगे बाबूजी, हम नहीं देख पाएंगे। भाभी, उस कड़वे सच को जानते हुए हम विराट को ऐसा गलत फैसला लेने कैसे दे सकते हैं? वो नादान है, बच्चा है, नासमझ है, लेकिन हम तो नहीं है ना। हम विराट की जिंदगी का रुख उस अंधेरी रात से मोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको मजबूत होना होगा भाभी। माना कि आप विराट की माँ हैं, लेकिन आप अपनी ममता, अपने जज्बात सब कुछ त्याग देना होगा और उसके साथ सख्ती के साथ पेश आना होगा भाभी। अपने दिल पर पत्थर रखकर विराट को मानवी से अलग करना होगा भाभी। अपने बेटे की जिंदगी उजड़ने से बचा लीजिए भाभी, बचा लीजिए प्लीज। आपकी वजह से हुआ। अगर आप चीजू को वो सारी बातें नहीं बताती ना, वैसा विराट कभी आ नहीं आता। मुझे कितनी टेंशन हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। खाने के टेबल पे तो उसने आज ऑलमोस्ट सब कुछ उगल ही दिया था। कुछ बिगड़ा नहीं, पर क्या फायदा उसके अंदर जो टाइम बॉम्ब कभी भी फट सकता है। चोर बीजी को क्या जवाब दूंगी? तू फिक्र मत कर, मैं ये नौबत आने नहीं दूंगी। मैं किसी भी तरह विराट को वापस भेज दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन जो करना ना 7 दिनों के अंदर अंदर, नहीं तो वो तो क्या मनु? कुछ नहीं, मैं आई थी। जानती हूँ मनु, तू क्या कहना चाह रही थी। विराट के सामने आने से तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तुझे डर है कि ज्यादा दिन उसके करीब रहने से तू फिर कभी उससे दूर नहीं हो पाएगी। अरे घंटे से वेट कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हैं। मिस्टर मेहरा जी, वीरेन वडेरा बोल। मिस्टर मेहरा देखिए, अब मुलाकात 2 बजे के बाद ही हो पाएगी। एक्चुअली मेरी अभी एक मीटिंग थी जो थोड़ी सी डिले हो गई। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर इलाज ना किया जाए
एक हफ्ते में ठीक हो जाकर जी। देखिए जिन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। ठीक कहा ना मैंने जी। मिस्टर राजीव, राजीव तलवार। मिस्टर राजीव तलवार आए हैं आपसे मिलने के लिए। जी भेज दीजिए। आप अंदर जा सकते हैं। Come in. Mr. Vadera. Mr. Talwar. Please, have a seat. Hey, Kamal. So, you're a lawyer. वैसे आप तो काफी यंग और हैंडसम हैं। अब मैंने सोचा था किसी मिडिल एज आदमी से मुलाकात होगी। आप तो किसी टेलीविजन शो या फिल्म के हीरो लगते हैं। I thought you'd be around for tea, आपकी मूछें होंगी। And Mr. Talwar, I thought you must be on time. You're actually 40 minutes late. I am really sorry, really really sorry. लेकिन वो क्या हुआ, मैं आपके ऑफिस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक डॉगी दिख गया। बेचारे के पैर में जख्म था, खून निकल रहा था। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया तो मैं बोबो को डॉक्टर के पास लेके चला गया। लगता है मिस्टर तलवार आपको इंसानों से ज्यादा या एनिमल से प्यार है। अजी मुझे तो जानवरों से प्यार है, जिंदगी से प्यार है, इंसानों से प्यार है, प्यार ही प्यार। और आपके पास प्यार का भंडार। अरे वाह भाई, ये तो तुकबंदी हो गई। आप तो कभी भी हैं। वैसे एनीवेज मिस्टर वदेरा, यू कैन एक्चुअली कॉल मी विरेन। देखिए मैं वैसे ही लेट आया हूँ और जब से आया हूँ उल्टी सीधी बातें किया जा रहा हूँ। बेकार की बातें करके आपका टाइम और वेस्ट नहीं करूंगा। So, what do you think of my case? देखिए मिस्टर तलवार, एक्चुअली आपका केस बहुत सिंपल है। अगर मैं इसे लीगली प्ले करूँ तो आपकी प्रॉपर्टी वापस लाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बस आपके जो पुराने जी, आपने विराट को मानवी के फीलिंग्स के बारे में बताकर बहुत गलत किया। क्या क्या सिचुएशन है मैं आपको बता भी नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिस्टर तलवार, यू प्लीज एक्सक्यूज मी। श्योर जी। बेटा देखो मुझे नहीं लगता कि विराट को बताकर मैंने कोई गलती की है। देखो उसके पीछे एक वजह थी। कैसी वजह थी जी? जीविका देखो, प्यार में जो हार जाते हैं उस चीज का दर्द उन्हें जिंदगी भर होता है। विष्णु जी, ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं फिलहाल एक क्लाइंट के साथ हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। विष्णु जी, मेरी प्रॉब्लम सुलझाना तो तू, अब तो मुझसे बात भी नहीं कर। किसकी मदद मांगू? भाभी लक्ष्मी, मेरी वजह से परेशान हो भाभी, प्लीज आप परेशान मत हो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। तो प्लीज यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई बहुत बड़ा हंगामा हो। सब बहुत बड़े उलझन में फंस जाए, मैं नहीं चाहती। मेरा ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। मेरे यहां से जाने से सारी उलझने खत्म हो जाएंगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, मन भी ठीक हो जाएगी। नहीं भाभी, वो और बीमार पड़ जाएगी। भाभी अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि मेरे आने से मानवी खुश नहीं। भाभी आप मेरे और मानवी की दोनों के दिलों को अच्छे से जानते हो कि हम लोग को अलग करके किसी की भी जिंदगी सवर सकती है। नहीं भाभी, अपने आने वाले कल के लिए हम आज से खराब कर दें।
जिंदगी बार बार मिल सकती है, लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ एक बार मिलता है, जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं। और मानवीय प्रेम, हम लोग को अलग करना मतलब हमें अपनी जिंदगी से अलग करना। जीविका देखो, प्यार में जो हार जाता है उस चीज का दर्द में जिंदगी भर होता है। और भाभी, मैं यहाँ कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, अच्छे 7 दिन की मोहलत मांगा। अगर अगले 7 दिनों के अंदर मैंने मानवीय का दिल नहीं जीता या फिर उसके दिल में तबीयत फीलिंग्स को भांति नहीं निकाला, तो मैं वादा करता हूँ मैं मानवीय की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता हूँ। खैर, उसकी जिंदगी से कब लौट के लिए मानवीय प्लीज, ये 7 दिन तो जाने के लिए ना कहीं प्लीज, यहाँ छोड़ अरे विराट बेटा इधर जी। प्रदीप दादी बैठ मेरे। अरे बैठ ना बोली। अरे ठीक है ना बोली। बेटा मुझे तेरे और मानवी के बारे में सब कुछ पता है, मुझे वो भी पता है कि तू इधर क्यों आया है। ये बाल भी तूने छोटे क्यों करवाए थे ना, वो भी मुझे पता है। मानवी को अकेला ना लगे इसीलिए करवाया ना बेटा। मानवी को तो बहुत चाहता है ना, वो भी तुझे बहुत चाहती है, वो छुपा रही है, जंग लगा है उसके दिमाग पर। ये तो तेरे जैसे सोना मुंडा कहाँ मिलेगा उसे। मानवी की जगह होती ना तेरे साथ भाग जाती। काश आप होती। बेटा तू मुझे एक वादा करके दे, तू उसे हाँ करवा के ही रहेगा, तू अपनी हिम्मत नहीं हारेगा। कभी नहीं बड़ी भी, मैं वादा करता हूँ मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे पता है ये मानवी है ना, जिद में तो मेरी दादी ने परदादी है, पर इस बात में वो जिद नहीं करेगी। क्या करे, इस छोटी सी जिंदगी में उस पर इतने दुख के पहाड़ फूट पड़े हैं, तो उसे लगता है कि जिंदगी की कोई भी खुशी पर उसका हक नहीं है। नहीं बीजी, ये तो मेरा मकसद है आने। अब चिंता मत कीजिए, मैं मानवी को ना हर खुशी दूंगा, आई प्रॉमिस। बस मुझे आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा रहेगा। अरे मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरी बच्ची को तेरे जैसा चाहने वाला मिला। तेरे जैसा चाहने वाला कहाँ से किसको मिलेगा। मेरे पास होता ना, मैं अपनी सांसें उसे दे देती ताकि उसे उसका प्यार मिले। बड़ी भी, मेरा बस चले ना, मैं अपने भी कोटे की सारी सांसें उसको दे दूं, मेरी उम्र भी उसको लग जाए। बट आई प्रॉमिस यू, मैं मानवी को कुछ नहीं होने दूंगा, अपने प्यार को कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब मेरा सोचना सही था, विराट मानवी को याद है। अब तो आ गया है ना, तो खाली हाथ नहीं लौटेगा, मानवी तुझे जरूर मिलेगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।